बिल्कुल ऐसे ही रेस्टोरेंट जैसी स्मोकी तंदूरी पनीर टिक्का एकदम इजी प्रोसेस में घर पर बन जाएगा तो सारे घर वाले डेफिनेटली खुश हो जाएगा। और इसे आज हम घर पर मिलने वाली एकदम आसान चीजों के साथ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बोल में आधा कप गाढ़ा दही लेंगे। करीबन 400 ग्राम दही को मैंने ऐसे कपड़े में 6 घंटे के लिए टांग के रखी थी। ये देखिए दही में काफी सारा पानी रहता है जो टांग के रखने से सारा निकल चुका है और इस पानी को दही से निकालना इस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब इस दही के साथ लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे टिक्के की कलर बहुत अच्छा आएगा, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़ी चम्मच तंदूरी मसाला, आधी छोटी चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों में लेकर क्रश करके डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 बड़ी चम्मच बेसन। ये बेसन कच्चा नहीं है। बेसन को मैंने ऐसे पैन में डाल के करीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करके ली है। इसे टिक्के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से दही के साथ मिला लेंगे। और हाँ, दही का पानी जरूर निकाल लेना, नहीं तो मैरिनेशन बहुत ढीला ढीला सा होगा और क्योंकि पनीर भी बहुत सॉफ्ट होता है तो पनीर मैरिनेशन को ठीक से पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से धुआंधार गरम कर ली है। अब गैस को बंद करेंगे और इस तेल को थोड़ा सा ठंडा करके इस मिक्सर में डाल देंगे और अब इस तेल के साथ इस मिक्सर को अच्छे से मिला देंगे। टिक्का में गरम सरसों का तेल बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। तो पनीर टिक्के की मिक्सचर हमारा बन चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना टाइट है। तो अब मैंने यहाँ पे करीबन 300 ग्राम पनीर को ऐसे क्यूब्स में काट के ली है। आप भी पनीर को ऐसे थोड़ा बड़े पीसेस में काट के लेना, नहीं तो पनीर स्टिक में टूट सकता है। अब इस सारे पनीर को इस मिक्सचर के बोल में डाल देंगे और हाथों से ही एक एक पनीर को अच्छे से इस मैरिनेशन से कोट करेंगे। पनीर को आप थोड़ा आराम से कोट करना और हाथों से ही करना, क्योंकि अगर चम्मच से कोट करने जाएंगे तो पनीर टूट सकता है। सारे पनीर को मैंने अच्छे से कोट कर ली है, ये देखिए। तो अब इस सारे पनीर को एक एक करके सेपरेटली इस प्लेट में रख देंगे और अब यहाँ मैंने करीबन आधा कप मीडियम साइज के प्याज को ऐसे क्यूब्स में काट के उसके परते ऐसे निकाल लिया है। तो इस प्याज को इस मिक्सर के बोल में डाल देंगे और इस शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे क्यूब्स में ही काटी है, ये भी करीबन आधा कप ही है, तो इसे भी डाल देंगे और अच्छे से इस बचे हुए मिक्सर से इन्हें भी कोट कर लेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब इन सारे चीजों को, मतलब कोट की हुई पनीर और ये प्याज और शिमला मिर्च को करीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो प्याज और शिमला मिर्च और ये पनीर भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैंने ऐसे वुडन तंदूरी स्टिक ली है। ये स्टिक आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन अमेज़न से भी परचेस कर सकते हैं। प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी थी। इससे हम पनीर को स्मूथली स्टिक कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हम एक शिमला मिर्च को इस स्टिक में ऐसे करके लगाएंगे और अब इसके बाद एक प्याज को भी सेम वैसे ही स्टिक में लगा देंगे। अब एक पनीर के पीस को लेंगे और स्टिक में लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर से एक शिमला मिर्च को लगाएंगे और उसके बाद प्याज को। अब फिर से एक पनीर के पीस को लगाएंगे और अब एक शिमला मिर्च को ऐसे उल्टा करके स्टिक में लगा देंगे। इससे स्टिक में सारे चीजें अच्छे से लॉक हो जाएगा और पनीर टूट के गिरने का चांसेस एकदम ही नहीं रहेगा।
तो ये वाला स्टिक हमारा बन चुका है। अब इसे इस प्लेट में रख देंगे और बिल्कुल ऐसे ही हम सारे स्टिक को असेंबल कर लेंगे। हर स्टिक में हम दो पनीर के पीसेस को डालेंगे और पनीर के आगे और पीछे शिमला मिर्च और प्याज को स्टिक करेंगे। इससे पनीर का सपोर्ट बना रहेगा और वो टूट के गिरेगा नहीं और बिल्कुल ऐसे ही आप सर्व भी कर पाएंगे। तो सारा टिक्का हमारा बन चुका है। अब इन्हें हम सेक लेंगे। तो इस पैन में एक छोटी चम्मच तेल डालेंगे और तेल को ब्रश से ऐसे पूरे पैन में फैला देंगे। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके स्टिक को इस पैन में ऐसे रख देंगे। एक बार में पैन में हम करीबन 3 से 4 स्टिक ही डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो हर स्टिक एक जैसा नहीं सिक पाएगा। अब हर स्टिक के ऊपर से ऐसे करीबन आधी छोटी चम्मच करके मेल्टेड बटर डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब करीबन 2 मिनट के बाद हम हर स्टिक को एक एक करके थोड़ा सा घुमा देंगे और ऐसे करके ही हर 1.5 से 2 मिनट बाद हम पनीर के स्टिक को थोड़ा थोड़ा करके घुमा देंगे और चारों तरफ से सेक लेंगे। हर साइड को हम इससे ज्यादा टाइम रख के नहीं सेकेंगे, नहीं तो पनीर जलना शुरू हो जाएगा। तो एक बैच पनीर टिक्का सेकने के लिए हमें करीबन 10 से 12 मिनट समय लग जाएगा। ये देखिए, ये वाले पनीर टिक्का अच्छे से सिक चुका है। तो इन्हें पैन से निकाल के इस प्लेट में रख देंगे और दूसरे बैच को सेक लेंगे। लेकिन इस बार हमें पैन में तेल ब्रश करने की जरूरत नहीं होगी, पैन ऑलरेडी ऑयली है। और सेकने के लिए फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखना, हाई या लो बिल्कुल मत करना। हाई करेंगे तो पनीर जल जाएगा और लो करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा इस टेक्सचर में लाने के लिए और उससे पनीर भी हार्ड हो जाएगा। तो सारा पनीर टिक्का हमारा सीक के तैयार है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हें एकदम स्मोकी बनाएंगे, मतलब बिल्कुल तंदूरी वाला फ्लेवर लाएंगे, ठीक जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो एक छोटी सी कोयले के टुकड़े को हम गैस के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को हाई करके इसी फ्लेम में ऊपर से हम हर स्टिक को ऐसे घुमा घुमा के रोस्ट करेंगे। इसे एक ही फ्लेम पर पनीर के स्टिक भी रोस्ट हो जाएगा और कोयला भी तब तक अच्छे से गर्म हो जाएगा। और हर स्टिक को रोस्ट करने के बाद इस पैन में रखेंगे। ऐसे थोड़ा डायरेक्ट फ्लेम में रोस्ट करने से टिक्के में एकदम तंदूरी वाला लुक्स और टेस्ट आ जाएगा। हो सके तो आप इस प्रोसेस को जरूर करना। तो अब एक छोटी सी कटोरी को इस पैन में रखेंगे और ये कोयला भी काफी गर्म हो चुका है, तो गैस बंद करके इस कोयले को इस कटोरी में रख देंगे और इसके ऊपर से आधी छोटी चम्मच घी डालेंगे और पैन को ढक के इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखा दोस्तों, बन गया हमारा एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे तंदूरी पनीर टिक्का, और वो भी कितनी आसानी से। और आप देखिए पनीर भी कितना सॉफ्ट है। तो थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगेगा, लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है। एक बार घर पे आप इसे जरूर बनाना और आपके पनीर टिक्का कैसी बनी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो मुझे फोटोज में भी टैग करना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।